अच्छा हुआ तुमने अपना असली रंग पहले ही दिखा दिया। नाम बदलने से सीरत नहीं बदलती। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया नाम बदल बदल कर घूमती। मैंने तुम लोगों को पहले से ही सही पहचाना था। खटिया हो खटिया रहोगे। तुम लोगों की औकात ही है। इतने पैसे कमाने के बाद भी अगर मन में और पैसे की चाह रह गई होती तो अपने बेटे के हाथ में कटोरा देकर हमारे घर भेज देती थी। जा डीडी की दौलत मांग लो, दे देती थी मैं भीख। झूठ झूठ पे झूठ बोलता रहा। मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मेरी भांजी की जिंदगी खराब की। जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग मिसेस सिमरन खुराना, इतनी सारी दौलत अपने बेटे और बेटी को बेच बेच कर इकट्ठी की क्या है तुमने? दुर्गा देवी, देवी पर हाथ नहीं उठाते। अगर श्राप दे दिया ना तो सब का सब यही खत्म हो जाएगा। मैं जमीन से उठी हूं, जो कुछ किया अपनी मेहनत से अकेले खड़ा किया मैंने, फिर से कर दूं। बस पांच मिनट है तुम्हारे पास। मैं सिमरन खुराना 5 मिनट के अंदर अपने इस घर को खाली देखना चाहती हूँ, सिवाय मेरी बहू रोशनी के। और अगर आप लोग यहां से नहीं गए, यहां कुछ हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस लड़की को आप अपनी बहू समझ रही है ना, उसको तो आपकी बेटी कब का मार चुकी है। अब जो आपके सामने लड़की खड़ी है वो अपनी माँ की बेटी है। जहां मेरी मॉम जाएगी मैं वहीं जाऊंगी। मां मैं आपके साथ रहूंगी। मैंने तुम्हें एक बेटी की तरह माना था, तुम्हें प्यार दिया। तुम्हारी माँ ने जब तुम्हारे मंडप पर आग लगाई तो रोशनी मैंने तुम्हें संभाला। बदनीयति तो तुम्हारे खून में ही है। तुमने तो मुझे माँ कहा था ना। गलती थी मेरी कि आपको माँ बोला, आपके कंधे को माँ का कंधा समझ बैठी। लेकिन वो कंधा इतना ही बड़ा झूठ था, इतना ही बड़ा धोखा था जितना बड़ा धोखा आप लोगों ने हमें दिया। वो मां का कंधा नहीं था, फरेब था। सारी छिपी हुई चीजें तो सब बाहर आ गई ना। आपका सरनेम, आपका असली चेहरा। एक शादीशुदा इंसान को अपनी बेटी के जाल में फंसाने की कोशिश हर चीज बाहर आ चुकी है। एक्चुअली सच की ना फितरत होती है, सच बाहर आ ही जाता है। आपकी भी सारी प्लानिंग्स बाहर आ गई। कहाँ है आपका वो बेटा सिद्धार्थ खुराना? मुंह नहीं दिखा पा रहा, ये भी कोई एक चाल है। सबसे बड़ा गुनहगार तो वही निकला ना।
ज्यादा विश्वास किया उस पे, पूरी दुनिया से ज्यादा विश्वास किया, अपनी मॉम को जो